कश्मीर को जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता। इस जन्नत में कुछ ऐसे फूल खिलते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। ऐसा ही एक फूल श्रीनगर के नौहाटा इलाके में आज 600 साल ज्यादा अरसे के बाद भी अपनी शान शौकत से खिल रहा है। ये बात है 14वीं सदी के इख्तिताम की, जब एक तरफ दुनिया में सल्तनत उस्मानिया अपने कदम जमा रही थी और दूसरी तरफ कश्मीर में बुद्धिज्म और हिंदुइज्म से लोग वापस आकर इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। जो ही मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी तो इबादत गाहों की जरूरत पड़ी, जहाँ की सब मुसलमान एक साथ होकर अल्लाह की इबादत कर सके। और ये काम किया सुल्तान सिकंदर ने, जिसने 1394 में ऐसी एक मस्जिद का काम शुरू किया जो 1402 में मुकम्मल होने पर आज तक कश्मीर की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद होने का एजाज रखती है। अगरचे पहले ये जामिया मस्जिद इस रकबे की नहीं थी जो हम आज देख रहे हैं, इन वसतों में इसे पहुँचाया सुल्तान सिकंदर के बेटे जैनुल आबदीन ने, जिसे कश्मीर में बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान सिकंदर ने इस मस्जिद को सदरुद्दीन खुरासानी से तामीर करवाया, जो कि एक ईरानी आर्किटेक्ट थे। इसीलिए कश्मीर में इस जैसी आपको कोई और मस्जिद नहीं मिलेगी जिसका आंगन बीच में हो। इस मस्जिद में पर्शियन और बुद्धिज्म कल्चर की फनकारी भी मिलती है। अगर इस मस्जिद की वसतों की बात करें तो इसकी मगरिब और मशरकी दीवार 381 फीट और शुमाली और जुनूबी दीवार 384 फीट लंबी है। इस मस्जिद के बीच में 375 फीट लंबा और 370 फीट चौड़ा आंगन है, और इसी आंगन के बीच में 34 फुट लंबा और 33 फुट चौड़ा वजू करने के लिए पानी का जखीरा मौजूद है। मस्जिद में 4 मीनार लगे हैं और हर मीनार को 8 सुतून थमाए हुए हैं, जो अजीमुशान 48 फुट की लंबाई और 6 फुट चौड़ाई जिसामत के हामिल है। इस मस्जिद में कुल 378 सुतून लगे हैं। मस्जिद का एक और दिलकश मंजर इसका मेहराब है, जो कि कश्मीरी काले मार्बल से बना है, जिस पर अल्लाह ताला के 99 नाम तराशे हुए हैं। मस्जिद में दाखिले के लिए 3 दरवाजे हैं और सबसे बड़े दरवाजे को शाही गेट कहा जाता है। मस्जिद शरीफ में एक वक्त 33,333 लोग इमाम के पीछे नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद को आज तक 3 बार आग ने नुकसान पहुँचाया। पहली आग इसे 1479 में सुल्तान हसन शाह के दौर में लगी। उसने फौरी तौर इसकी मरम्मत करने का काम शुरू किया, हालांकि उसको जिंदगी ने साथ न दिया। और ये काम इब्राहिम मागरे, जो कि चीफ था कश्मीर फोर्सेस का, उसने 1503 में इसे मुकम्मल किया। 1620 में दूसरी आग ने मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। तब इसे एक कश्मीरी आर्किटेक्ट हैदर मलिक ने मरम्मत की और इस काम को 17 साल लगे पूरा होने में। सबसे बड़ी आग 1672 में इसे औरंगजेब आलमगीर के दौर में लगी। जब आलमगीर ने इस वाकये के बारे में सुना तो उसने सिर्फ इस बात के बारे में पूछा कि वहाँ लगे चिनार के दरख्तों को कोई नुकसान मत हो। आलमगीर ने उस वक्त कहा, मस्जिद कुछ ही वक्त में तामीर हो सकती है, लेकिन एक चिनार के दरख्त को पूरा बढ़ने के लिए एक सदी बीत जाती है। आलमगीर ने मस्जिद को नए सिरे से महज 3 साल में मरम्मत की। जब सिख दौर कश्मीर में आया तो मस्जिद को 1819 में 24 साल तक बंद किया गया। फिर 1843 में एक सिख गवर्नर, जो कि मजहब से मुसलमान था, जिसका नाम गुलाम मोहिद्दीन था, इसने मस्जिद की मरम्मत में उस वक्त के 1.5 लाख रुपए लगाए। इस सब के बावजूद भी मस्जिद को 11 साल तक सिर्फ जुमा नमाज के लिए खोला जाता था। आखिरी बार मस्जिद को डोगरा हुकूमत में मरम्मत हुई, जिसमें उस वक्त की सरकार का कम ही हाथ रहा। ये जो हम मस्जिद आज देख रहे हैं, इसे तब लोगों ने अपने पैसों से मरम्मत की। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज आपसे रुखसत चाहते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और नए आने वाले दोस्तों से अदबन गुजारिश है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।